नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। दिनांक 27 दिसंबर 2020 को नगर पंचायत बुढ़ार में देश बचाओ पार्टी की मीटिंग गठित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष राम रुचि तिवारी जी और सदस्यों में जैन साहब आहूजा जी और साथीगण के बीच में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें खबर 29 के संवाददाता मोहम्मद हसन खान ने सूचना दी गई। मीटिंग प्रोत्साहन के लिए संवाददाता मोहम्मद हसन खान सुहागपुर जिला शहडोल संभाग से जाकर मीटिंग आयोजित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, जिला अध्यक्ष राम रुचि तिवारी जी को देश बचाओ पार्टी से जानकारी ली गई। ये मीटिंग शहर बुढ़ार में रखी गई। आप सभी को जय हिंद। और खबर 29 के आप सभी संवाददाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो देश बचाओ पार्टी की आवाज बनकर और आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात लोगों तक रखें। देखिए, देश बचाओ पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि देश में सचमुच में जो राष्ट्रवाद होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति जो लोगों को श्रद्धा, लोगों का जो विश्वास राष्ट्र के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, इसलिए सच्चे अर्थ में देश बचाओ पार्टी राष्ट्रवाद के लिए समर्पित है और राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत है। और यही सोच करके हमारे मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से देश बचाओ पार्टी बढ़ रही है और अभी भारतवर्ष में ये लगभग 14 राज्यों में सक्रिय है, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में और बहुत सारे राज्यों में सक्रिय है। और जिस तरह से देश की परिस्थितियां वर्तमान में निर्मित हैं, उसको देखते हुए देश बचाओ पार्टी का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्चे मायनों में हम जो है राष्ट्र की सेवा के लिए आते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश के युवा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आए। अब हम तिवारी जी, राम रुचि तिवारी जी, जिला अध्यक्ष से बात करें कि इनकी क्या विचार है और ये प्रदेश बचाओ, देश बचाओ में पार्टी में क्या इनका लक्ष्य है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हसन जी और 29 खबर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और देश बचाओ पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं उस कुरीतियों को दूर कराना, जैसे कि हम बुढ़ार ब्लॉक अध्यक्ष जो हमारे जी हैं आहूजा जी, उनके थ्रू हमें पता चला है कि यहाँ पे नल जल की योजना जो चलाई जा रही है नगर पालिका के थ्रू, उस पर कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि उस पर कुछ पहल करें और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा है हमसे कि यहाँ पर एक घंटे की जो जल जो अपन नगर पालिका के थ्रू दिया जाता है पीने का जल, उसमें से आधे घंटे तो खराब पानी आता है, 10-15 मिनट ही पीने का पानी आता है। उसको देखकर नगर पालिका में हम लोग कुछ CMO साहब से मीटिंग करेंगे इस चर्चा पे, और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ये राम रुचि तिवारी जी थे जो जिला अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपना विचार रखा है जल को लेकर, पानी को लेकर, यहाँ की समस्याएं जो भी है। मोहम्मद हसन खान, संवाददाता सुहागपुर संभाग शहडोल जिला शहडोल 29 खबर से। अभी आप महोदय जी से बात करेंगे कि आपके क्या विचार हैं और क्या धारणा है। हमारी धारणा ये है कि अपन, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश आहूजा जी, मैं मंडल अध्यक्ष यहाँ, ये प्रदेश बचाओ पार्टी से, देश बचाओ पार्टी से। जी जी जी, थैंक यू। बताए क्या समस्या है? समस्याएं तो इधर दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। जी जी, और लोगों को लगता है कि अपना काम चलता है, अपन को काम नहीं, व्यवस्था कायदे की करनी है। जी जी जी, जैसे आप स्टेशन की ओर जाएंगे जी, पर सिंधी गुरुद्वारे के बगल से रेलिंग लगनी चाहिए जी, रेलवे वाली, वहाँ से आदमी गिर सकता है, किसी समय भी मर सकता है। जी जी जी, अब और ट्रेन के जाने के लिए आप कार से ट्रेन नहीं पकड़ सकते, बल्कि दौड़ के पैदल पकड़ सकते हैं। जी जी, तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जिस पे अपन काम करके आगे अपने नगर को सुरक्षित कर सकते। जी, थैंक यू। ये हमारे बुढ़ार शहर से आहूजा साहब हैं,
और ये देश बचाओ पार्टी के तमाम जितने भी आगंतुक यहाँ उपस्थित हैं, इनका सबका लक्ष्य यही है कि हमारे देश में अच्छा कार्य हो, जो भी कार्य हो सके तो अच्छे से अच्छा हो। और मैं अध्ययन साहब से बात करूंगा कि अपने ये देश बचाओ पार्टी में क्या उम्मीद रखें और क्या काम करेंगे गरीबों के लिए। नमस्कार, मैं अभिषेक जैन देश बचाओ पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और मैंने अभी सदस्यता ली है। देश बचाओ पार्टी हमने जो बनाई है और मैंने जो ज्वाइन किया है, हमारा पार्टी का उद्देश्य कोई दलगत राजनीति करना नहीं है, ना किसी तरह का हंगामा खड़ा करना है। हमारा उद्देश्य जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उनको सुधारना है और अच्छे व्यवस्थित रूप से जो है तो नगर को और जिले को आगे बढ़ाना है। कई प्रकार की समस्याएं हमारे नगर, जैसे मैं बुढ़ार का हूँ, बुढ़ार में कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने, जैसे पेयजल की समस्या है, सफाई व्यवस्था की समस्या है, इस प्रकार की कई समस्याएं हैं। और जैसे अभी जो मुफ्त राशन सरकार द्वारा दिया जा रहा था उसमें भी गड़बड़ी की जा रही थी, तो हमने व्यक्तिगत रूप से लेटर वगैरह लिख के फिर उसको सुधरवाई थी शिकायत करके। इस तरह की समस्याओं का निराकरण करना है। और कई लोग जो राजनीति से संबंध नहीं रखते हैं, साधारण व्यापारी है या साधारण नागरिक है, उनकी सुनवाई प्रशासनिक स्तर पर नहीं होती है, उनकी आवाज को भी हमको सामने लाना है कि हमारा